फिल्मों में बोल्ड सीन कर एक्ट्रेस कई बार खबरों में आ जाती हैं, तो उन फिल्मों से उनकी बोल्ड इमेज भी बन जाती है। इसी तरह से बता दे, कभी कभी स्टार्स किसी और मामले को लेकर भी खबरों में आ जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं धोखाधड़ी की। अक्सर ही देखा जाता है कि बॉलीवुड की कुछ हस्तियों पर ऐसे आरोप लगते हैं जिसको लेकर वो खबरों में रहते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक्ट्रेस किम शर्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन ये सच है कि किम शर्मा पर भी धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है। आपको पूरी सच्चाई से रूबरू करा दे कि किम शर्मा पर हाल ही में धोखाधड़ी का आरोप लगा है। किम पर आरोप लगाने वाला ये शख्स NRI बिजनेसमैन है। NRI दिलीप का कहना है कि किम ने उनकी करोड़ों की कार रेंज रोवर पर कब्जा किया हुआ है। ये कार किम से अलग रह रहे उनके पति को सौंपी गई थी। दरअसल NRI दिलीप कुमार ने खार पुलिस थाने में जो मामला दर्ज करवाया है, पुलिस के मुताबिक दिलीप का विदेश में बिजनेस है, यही कारण है कि वो मुंबई कभी कभी ही आते हैं। किम शर्मा बॉलीवुड की कुछ ही फिल्मों में नजर आई हैं। हालांकि काफी समय से किसी भी फिल्म में नहीं देखी गई किम, लेकिन अक्सर ही अपनी बोल्डनेस को लेकर वो खबरों में रहती हैं। उनकी कुछ फोटोज आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से चित्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।